हाँ भाई, लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में कंप्लीट कर दिया, उसमें सफिशियंट प्रॉब्लम के साथ जेई के लिए भी आपको काम आ जाएगा, नीट के लिए भी काम आ जाएगा। जो बड़े बड़े क्वेश्चन है नीट के लिए नहीं करना है, उसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, हाँ सीखने के लिए देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा करवाए गए, सारे टॉपिक्स को ढंग से कवर कर दिया गया। ठीक है, मैंने डीसी पांडे, एचसी वर्मा, जितने भी क्वेश्चन थे सबका क्वेश्चन लगभग कवर किया हूँ। ठीक है, तो आप उसको ढंग से पढ़िए। इवन ग्राफ वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से कवर हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे तरीके से कवर हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल भी अच्छे तरीके से कवर हैं, जो दो प्रोजेक्टाइल टक्कर होते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप किया गया है। अब हम लोग नए चैप्टर की तरफ रुख करते हैं, एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सही है, नया चैप्टर, क्या हेडिंग डालोगे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सही है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको फैशन में लोग? एनएलएम। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? एनएलएम। ठीक है, इतना बड़ा नाम ना बोल के लोग क्या बोलते हैं इसको? एनएलएम। अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। सही है, क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। देखो यहाँ से और इंटरेस्टिंग, जैसे जैसे मैकेनिक्स में आप आगे बढ़िएगा, मैकेनिक्स और इंपॉर्टेंट होते जाएगा। सही है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं सब मैकेनिक्स के पोर्शन है। मैकेनिक्स आपका जाएगा कहाँ तक? लास्ट मान के चलो कि फ्लूड मैकेनिक्स तक खत्म होगा वहाँ पर जाकर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ एक आध दो छोटे चैप्टर हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल वगैरह, एक एक दिन, दो दो दिन के। सही है, तो वो भी मैकेनिक्स के अंदर ही उनको इंक्लूड कर लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, और फिर वेव है आपका अलग है। ठीक है, वेव का दो चैप्टर और थर्मोडायनेमिक्स का दो तीन चैप्टर, वो सब छोटे छोटे हैं। वेव तो थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं बोल सकते वेव को, साउंड वेव छोटा है, लेकिन मैकेनिकल वेव 10-12 क्लास लगता है उसमें, साउंड वेव में 4-5 क्लास में खत्म हो जाता है। और फिर थर्मो का चैप्टर, मतलब आपको 85% क्या पढ़ना है? मैकेनिक्स ही पढ़ना है। सही है, क्लियर हो? तो हम लोग नए चैप्टर की तरफ रुख करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ क्या? मोशन, यानी क्या बोलोगे? एनएलएम। सबसे पहली बात फोर्स, सबसे पहली बात क्या? फोर्स। सही है, ये फोर्स क्या चीज होता है? सही है, अब बच्चों से पूछोगे फोर्स क्या होता है, तो बच्चे बोलेंगे पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल करो उसको क्या बोलते हैं? फोर्स। जब थोड़ा चिल्लर टाइप का नहीं लगता है चीज सुनने में? साला पुश और पुल, समझ में आ रहा है? सुनने में तो थोड़ा नहीं लगता, चिल्लर पंती टाइप का बोला जाता है, ऐसे नहीं बोलोगे। ठीक है, आप फोर्स किसको बोलोगे? पैरामीटर है ना, वो पैरामीटर है ना, फिजिकल पैरामीटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, विच इज क्या? रिस्पॉन्सिबल फॉर। सही है, वो पैरामीटर जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट। सही है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। सही है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। सही है, इज कॉल्ड क्या? फोर्स। उसी क्या बोलते हैं? फोर्स। बिना फोर्स के आप दुनिया में कुछ भी नहीं सोच सकते ये सब चीज़ों के बारे में, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब किसके कारण आते हैं? फोर्स के कारण। ये बताओ, मैं खड़ा हूँ। सही है, या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना? कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या वो अपने आप चलना शुरू कर देगा? जब तक कि उसके ऊपर आप फोर्स नहीं लगाइएगा, तो क्या अपने आप वो चलना शुरू कर देगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो वो फिजिकल पैरामीटर जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो? मूवमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्टेंस के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, वेलोसिटी के लिए, उसको क्या बोलते हैं? फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? फोर्स। और मैं आपको बता दूं, फोर्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप क्लास 12th वाला पोर्शन पढ़ रहे होंगे तो, जिसको उसमें फ्री बॉडी डायग्राम नहीं आता होगा बनाने, उसको बहुत दिक्कत आता होगा। तुमको तो आता होगा फ्री बॉडी बनाने, इतना तो सीखी थी तुम। ठीक है, तो मतलब अगर क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैट्स पे हम जाकर बात करें, तो इलेक्ट्रोस्टैट इलेक्ट्रोस्टैट नहीं है बस, वहाँ पे बस फोर्स क्यू ही होता है, और बाकी सब काम यहाँ का होता है। मतलब यहाँ की चीज़ें आता है तो 90% चैप्टर समझ में आएगा, और यहाँ की चीज़ें नहीं आती है तो चैप्टर मात्र आपको 10% समझ में आने वाला है। सही है, फ्री बॉडी डायग्राम, टेंशन भी वहाँ निकाल रहे होगे, वहाँ फिर क्या बोलते हो, वेलोसिटी भी निकाल रहे होगे, एक्सेलरेशन भी निकाल रहे होगे, इक्वेशन ऑफ पाथ भी निकाल रहे होगे, लेकिन मतलब मेरा कहना यह है कि मैकेनिक्स आना इसके लिए क्या है? बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैकेनिक्स नहीं आता है तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी तकलीफ पहुँचाएगा। सही है, तो फोर्स एक पैरामीटर है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि क्लास 11th के जो पोर्शन है उनको अच्छे से पढ़ना, बहुत ढंग से पढ़ना। लोग 11th को इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, लेकिन 11th जितना इंपॉर्टेंट है उतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 11th नहीं आता है, 12th का फिजिक्स आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। समझ गए? तो 11th का जितना भी पोर्शन है उसको ढंग से आपको क्या करना है? कवरअप करना। दिक्कत जाएगा बताइएगा, ठीक है, समझिएगा उसको, और मेरे साथ रहिएगा, दिक्कत नहीं जाएगा।
तो फोर्स पैरामीटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज कॉल्ड क्या फोर्स, उसी को क्या बोलते हैं फोर्स बोलते हैं, बल बोलते हैं, है ना। अच्छा अगली बात मैं बात करूं थोड़ा सा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स का कौन सा यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है न्यूटन, ये जब आप जानते ही होंगे, सही है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज क्या न्यूटन, है ना। फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है न्यूटन होता है, समझ में आ रहा है। सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज क्या डाइन, डाइन वो गांव वाली डाइन नहीं, गांव में सुने ना डायन, है ना, उसकी मम्मी डायन है, मत जाना उसके पास, वो वाला डायन नहीं, ठीक है, डाइन नाम है, ठीक है। वो तो सोचते डायन तुम लोग जानते हो, जानते नहीं जानते, हमको लगा शहर के बच्चे नहीं जानते हो, यार मैं ही जानता हूँ सिर्फ, है ना। मेरे गांव साइड में चलता था डायन, वो डायन है, उसके पास नहीं जाना, खा जाएगा तेरे को। हम बोले महिला लोगों खाना शुरू कर दिए कब से इंसान को भाई, है ना। तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज क्या न्यूटन, सॉरी सीजीएस यूनिट इज क्या डाइन, और एसआई यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है। अब आते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स पे, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा छोटा छोटा चर्चा है जिसको कर लेता हूँ एक बार, है ना, ये सब बेफालतू की चर्चा मैं मानता हूँ। डायमेंशन ऑफ फोर्स, सही है। यूनिट डायमेंशन तो कोई पढ़ाने का चैप्टर नहीं है, अगर सही में पूछा जाए तो, पैरेलली मैं चाहूँ तो साथ साथ जैसे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ यूनिट डायमेंशन को खत्म कर दूंगा, सही है। डायमेंशन ऑफ फोर्स, सही है। अब सुनो मेरी बात, फोर्स का फार्मूला क्या लिखते हो, एम ए, इतना तो सबको पता होगा, सही है। अच्छा ठीक है सर। अच्छा एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं, डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी, सही क्या, डीवी बाई डीवी मतलब क्या, चेंजिंग वेलोसिटी और चेंजिंग टाइम, पक्का ना, मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसका यूनिट आप लिख लें, वो वाला यूनिट नहीं, ऐसे मास के लिए क्या लिखोगे के जी, मास के लिए क्या लिखोगे के जी इंटू डीवी, चेंजिंग वेलोसिटी क्या मीटर पर सेकेंड, और नीचे मीटर टाइम है, तो क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा डायमेंशन के लिए, डायमेंशन में यानी फोर्स का एक्चुअल में यूनिट ये था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इतना बड़ा नाम को ना रख के न्यूटन भाई बोले कि भाई इतना बड़ा नाम बार बार काहे बोलते चलेंगे, तो हमारे नाम पे रख लो इसको, क्या बोल दो वन न्यूटन बोल दो, है ना। और बड़ा तकलीफ देकर चला गया तुम लोग को, खुद तो बना के गए लेकिन पढ़ने के लिए तुम लोग को ऊपर छोड़ कर चला गया, नहीं है ना। तो इसका डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, पता ही होगा सबको। केजी की जगह पर क्या लिखते हैं, कैपिटल एम लिखते हैं, और ये मीटर है, मीटर मतलब लेंथ, और टाइम के लिए क्या टी स्क्वायर, सही है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा भाई, इसको तो याद ही रखना, बड़ा काम देगा। फोर्स का डायमेंशन बिल्कुल मुंह पे याद होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या आता है, एम एल टी पे पावर क्या माइनस टू, इसको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, याद रखना है, और याद भी रखते हैं, बहुत गधा बच्चा भी इसको याद रखता है। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी पे पावर क्या माइनस टू, मेरी बात समझ में आ रही है, है ना। आज के बाद आप याद रखोगे कि सर जी फोर्स का डायमेंशन क्या आता है, एम एल टी पे पावर क्या माइनस टू। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, रिलेशन बिटवीन, है ना, न्यूटन एंड डाइन, न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन। न्यूटन की पत्नी थी क्या सर डाइन, हैं, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड क्या डाइन, न्यूटन और डाइन में रिलेशन क्या होता है, जैसे मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन नहीं पढ़ते हो कि वन मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वैसे न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होता है, वन न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10^5 डाइन, वन न्यूटन में 10^5 क्या 5 डायन होता है, क्लियर हो, समझ में आ रहा है। तो इसको भी याद रखना है, वैसे छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको क्या करना है, याद रखना है, समझ में आ रहा है। वन न्यूटन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10^5 डायन। अच्छा कुछ और बातें मैं आपको बता दूं, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट बात, ये तो दुनिया जानती है सर, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट ये है कि वेक्टर के जितने भी फंडे हैं सब के सब फोर्स के ऊपर अप्लाई होंगे, समझ में आया, बड़ा इंपॉर्टेंट बात, समझ में आया, यानी जितने भी वेक्टर के फंडे हैं सब के सब फोर्स के ऊपर क्या किए जाएंगे, अप्लाई किए जाएंगे, समझ में आ रहा है। जितने भी फोर्स के वेक्टर के फंडे हैं, मतलब अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 3 न्यूटन फोर्स और 4 न्यूटन फोर्स इसको ऐड करो, है ना, मैं बोल दूं कि 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, क्या इसको 7 न्यूटन बोलोगे नहीं बोलोगे, कितना बोलोगे सर, वो तो क्या 7 न्यूटन बोलोगे, नहीं सर वो तो एंगल दोगे तभी बता पाएंगे। हाँ अगर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन एक ही डायरेक्शन में हो तब तो 7 न्यूटन बोल पाएंगे। अगर मान लो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन ऐसे है, 3 न्यूटन ऐसे है और 4 न्यूटन ऊपर है, तब रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगा, मतलब दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसको स्केलर की तरह नहीं ऐड करते हैं, नंबर की तरह ऐड नहीं करते, वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन पे लाते हैं, है ना, एक लाइन को एक्स एक्सिस बोल देना, दूसरे लाइन को क्या बोल देना वाई एक्सिस, समझ में आ रहा है। एक लाइन वाले वेक्टर एक साथ जुड़ेंगे, वेक्टर हमेशा अगर ऐड करना हो सिंपल अलजेब्रिक तरीके से
सिंपल जैसे नंबर को ऐड करते हो तो तभी ऐड करोगे सिंपल उस तरीके से जब वेक्टर सब एक लाइन पे होंगे थ्रू आउट। अगर एक लाइन पे नहीं रहेंगे तो एक लाइन पे उनको लाया जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक कोई समस्या? वर्चस्व बाबू है ठग आदमी, तुमको ठगना मैं रुकू ना, तुम पे ऐसा मैं ऐसा कसूंगा ना शिकंजा, तुम भूल जाओगे। ऐसे तुमसे मेरी दुश्मनी है पर्सनली, ये तो टेंथ में ये बात बोला था कि तुमसे मेरी दुश्मनी है, भूल गए क्या वाली बात? सर आप तो बाहर की बहुत सारी बोले थे। हाँ तो बोले तो क्या दुश्मनी खत्म थोड़ी हो गया? वर्चस्व मेरा पर्सनल दुश्मन है भाई, वर्चस्व मेरा पर्सनल दुश्मन है, इसलिए मैं है ना, क्योंकि इतने लोगों में तुम ही एक अकेला ऐसा बंदा हो जो अपने आप को ज़्यादा टैलेंटेड मानते हो और कॉपी नहीं लिखते हो। कल से यहाँ बैठ जाया करूँगा, जो कॉपी लिख के नहीं लाएगा उसको वापस। यस सर, कल से चेक कीजिएगा, सही लिखना पड़ेगा मतलब। सही है? यस। यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। क्लियर हो? यस सर। तो फोर्स के बारे में सब छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन थे, ये तो दुनिया जानती है, इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, इसमें कोई अलग बात नहीं है बताने को। आज पहला क्लास है तो पहले क्लास में कुछ भी आपको अलग नहीं मिलेगा, है ना, वही मिलेंगे जो नॉर्मल लोग पढ़ाते हैं सब चीज़, ठीक है, सब पुरानी मतलब मान के चलो वही फेमस बातें जो तुम लोग मैक्सिमम बातें पहले से जानते हो या सुने होंगे वो सब बात को 9th 10th क्लास में, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब हेडिंग डालते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। है ना, और ये इम्पोर्टेंट बात है ना, कुछ ऐसे फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो ज़्यादा फेमस रहते हैं और उनके बारे में स्टडी किया जाएगा, ठीक है, और वो फोर्स पूरे फिजिक्स में आने वाले हैं, हर जगह पे अप्लाई होंगे, ठीक है, तो उनके बारे में देखने वाले हैं, सही है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, सही है, हेडिंग क्या रहेगा भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, सही है। हाँ सर, अच्छा ये चैप्टर उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा काइनेमेटिक्स है, ठीक है। यस सर। मतलब काइनेमेटिक एक क्या बोलते हैं, NLM, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन, ये तीनों मिला के जितना दिन काइनेमेटिक्स में पढ़ाया उतना दिन पढ़ा दूंगा, सही है, क्लियर हो? हाँ सर। हेडिंग डालते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, सही है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, फोर्स। इसमें सबसे पहली बात आते हैं किस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है, क्लास 9th में इसके बारे में सुने होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है मालूम है? है क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्चस्व बताएगा। हाँ अरे ऐसे ही बोलोगे, सुन लो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा यूनिवर्स में, इन यूनिवर्स लेट देयर आर टू मासेस, लेट देयर आर टू मासेस, देयर आर टू मासेस, है ना, देयर आर टू मासेस, यूनिवर्स में कितने मासेस हैं, दो मासेस, M1 एंड M2 क्या, विच आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस, विच आर केप्ट एट सम डिस्टेंस, सही, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, सम डिस्टेंस, है ना, यूनिवर्स में कोई भी दो मास हो, यूनिवर्स में कोई भी दो मास हो अगर उनके बीच में डिस्टेंस है, उनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है, इन यूनिवर्स लेट देयर आर टू मासेज M1 एंड M2 विच आर केप्ट एट सम डिस्टेंस, देन बोथ मास पुल मतलब खींचते हैं, पुल या फिर बोल सकते हो अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट क्या, दोनों मास एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दोनों मास एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर ऑन, कहाँ पे, ऑन लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, सही है, बोलोगे? यूनिवर्स yes, में अगर कोई भी दो मास रखे हुए हैं, मान लो कि ये क्या है, M1 है, कोई भी दो मास हो, चाहे हेवी मास हो या फिर छोटा मास हो, ठीक है, भारी मास हो या फिर
लाइटर मास हो, ठीक है, हेवी मास हो या लाइटर मास हो। तो यूनिवर्स में अगर कोई भी दो मास रखे हुए हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए दो मास, मान लो कि ये M1 है और ये क्या है M2 है, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, इनके बीच का कुछ क्या है distance. तो ऐसा नेचर है, क्या नेचर क्या बोलता है कि भाई दोनों मास एक दूसरे को क्या करेंगे, पुल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे अट्रैक्ट, है ना, ये अट्रैक्ट लिखा हुआ, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे खींचेंगे, आ जा तू मेरे पास आ जा, ये बुलाएगा M1 M2 को, सही है, yes, M1 M2 क्या करेगा बुलाएगा, अरे M2 भी M1 क्या करेगा बुलाएगा, मतलब ये लोग दोनों चाहेंगे कि हम लोग दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए चिपक जाए, ऐसा चाहेंगे, सही है, ये दोनों चाहेंगे कि हम लोग एक दूसरे से क्या हो जाए चिपक जाए, सही है, ये चार्ज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक लड़का हो एक लड़की हो तो दोनों चिपक जाएंगे और लड़का लड़का हो तो दूर दूर जाएंगे, ऐसा नहीं है, यहाँ पे मास कुछ भी हो, समझ में आ रहा है, चाहे वो नॉन लिविंग हो या क्या हो लिविंग हो, समझ में आ रहा है, अगर यूनिवर्स में कोई भी दो मास रहा तो दोनों मास एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, दोनों मास एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट, दोनों एक दूसरे को पास बुलाएंगे, तू मेरे पास आ, वो भी बोलेगा तू मेरे पास आ, इसी फोर्स को क्या बोला गया ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या बोला गया ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर से समझिए ढंग से, यूनिवर्स में अगर कोई भी दो मास है दोनों मास एक दूसरे को क्या करना चाहेंगे पुल करना चाहेंगे, मतलब अट्रैक्ट करना चाहेंगे टुवर्ड्स ईच अदर, हाँ अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहेंगे एक दूसरे की तरफ क्या करना चाहेंगे अट्रैक्ट करना चाहेंगे, कहाँ अट्रैक्ट करेंगे ऑन लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, इसी लाइन के ऊपर क्या करना चाहेंगे अट्रैक्ट करना चाहेंगे, जैसे M2 को M1 बोलेगा, M2 कौन बोलेगा तू आ जा मेरे पास, तू ये फोर्स कौन लगाया फोर्स कौन लगाया फोर्स फोर्स ऑन M2 किसके ऊपर लगा M2 और लगाया कौन ड्यू टू M1 सही है फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1 फोर्स किसके ऊपर लगा M2 के ऊपर और लगाया कौन तो इसको फैशन के दौर में ऐसे लिखेंगे फोर्स किस पे लगा टू पे लगाया कौन वन तो इसको क्या बोल देंगे F21 क्या बोलेंगे इसको F21 सही है क्या अच्छा तो M1 को M2 छोड़ थोड़ा देगा वो भी बोलेगा मैं भी तेरे को क्या करूंगा अट्रैक्ट करूंगा सही है बोलोगे तो ये फोर्स किस पे लगा वन पे लगाया कौन टू सही है मतलब यूनिवर्स में कोई भी दो मास हो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे सही है क्लियर हो कहाँ अट्रैक्ट करेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम यही कॉन्सेप्ट कहाँ चलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी है ना कूलॉम्ब्स फोर्स भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम पे लगता था समझ में आ रहा है सही है इसी फोर्स को क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोला गया है इन यूनिवर्स देयर आर टू मासेस M1 and M2 which are kept at some distance then both mass pull each other on line joining between them with equal magnitude with क्या equal magnitude है ना action reaction भी बोल सकते हो action reaction के कारण ऐसा हुआ है with equal magnitude action reaction जानते हो नहीं जानते हो है ना with equal magnitude दोनों एक दूसरे को दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे है ना ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा इक्वल होगा जैसे मान लो कि M1 इस पे कितना फोर्स लगाया 10 न्यूटन M1 इस पे क्या लगाया तो ये भी कितना लगाएगा है ना विद इक्वल मैग्नीट्यूड और लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या होगा हाँ तो ये बात भी ऐड कर लो ऑन लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम विद इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड अपोजिट इन क्या समझ में आया बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कितनी बातें इंपॉर्टेंट सर दो मास होना इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए उनके बीच का डिस्टेंस होना जरूरी है तो दोनों मास एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे दोनों मास एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे कहाँ अट्रैक्ट करेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम अलोंग द लाइन समझ में आ रहा है क्लियर हो विथ इक्वल मैग्नीट्यूड विथ क्या एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड अपोजिट इन क्या डायरेक्शन इसी फोर्स को क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या बोलते हैं मेरी बात समझ में आ रही है ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्लियर हो किसी को दिक्कत है पक्का ना अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स सर ये इसकी वैल्यू कितनी होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है ये भी पढ़ोगे तुम लोग समझ में आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मेरी बात समझ में आ रही है ना तो ये बात तो आपको क्लियर हो गया यहाँ तक कि ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे कौन वेक्टर F12 और क्या क्या दोनों इक्वल होते हैं नहीं माइनस लगा देता इक्वल होंगे
दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है सर। एफ वन टू का मैग्नीट्यूड और किसका, एफ टू वन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, सही है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। एक 10 न्यूटन है तो बोल दोगे ऐसे क्या, माइनस 10 न्यूटन उल्टे साइड में, समझ में आ रहा है, क्लियर हो, सही है। अच्छा आपसे कोई पूछा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड, समझ में आ रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड का फार्मूला जो दिया गया ऐसा था, एफ जी मतलब क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका फार्मूला यह था, याद है किसी को, जी एम एन एम टू बाई क्या आर स्क्वायर, सही का, जी एम एन एम टू बाई क्या आर स्क्वायर। इसमें जी क्या है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जी क्या है कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 11 है, माइनस 13 होता है, पागल हो गया, कितना होता है 10 टू पावर माइनस 13 ही होता है, कन्फ्यूज कर रहा है हमको ये गधा। 34 कहाँ आता है, 34 कहाँ आता है भाई, क्या बोल रहे हो, ये कन्फ्यूज कर दिया हमको, हर बार बच्चे लोग कन्फ्यूज कर देते हैं, ऐसे लिखा हुआ सही है, सही यहाँ तक, माइनस 11 सही बोल रहा है यार, वो सही बोल रहा है, 10 टू पावर का माइनस 11, जी क्या होता है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू क्या 10 टू पावर माइनस 11, और इसका यूनिट क्या आ जाएगा, देख लो इधर देखो, इधर देखो ये न्यूटन है, ये इधर इसकी वैल्यू निकाल लो कैपिटल जी की, न्यूटन मीटर स्क्वायर और एक केजी इंटू केजी क्या केजी स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, सही है, कोई दिक्कत, तो जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एम वन क्या है, एम वन एम टू क्या है, टू मासेस, एम वन एम टू क्या है, टू मासेस, सही है, पहला मास और ये दूसरा मास, आर क्या है डिस्टेंस बिटवीन मासेस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन क्या मासेस के बीच में क्या है डिस्टेंस है, कौन आर, सही है, आर क्या है मास के बीच का क्या है डिस्टेंस है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए, सुन लीजिए भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूरा पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में लगता है, दुनिया का कोई भी दो मास हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, अगर दो मास हैं तो दोनों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, कैसा होता है नेचर में, है ना, बोला तो गया कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, दो मास एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, कहाँ अट्रैक्ट करेंगे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग विथ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सही है। और उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होता है, जी एम वन एम टू बाई क्या आर स्क्वायर, जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या पर के जी स्क्वायर। एम वन एम टू क्या है, एम वन एम टू क्या है भाई, टू मासेस, सही है क्या, और कहने का मतलब ये हुआ कि, और आर क्या है डिस्टेंस बिटवीन मासेस, आर क्या है मास के बीच का डिस्टेंस, सही है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला था जो क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, अभी इस पर क्वेश्चन वोशन नहीं करेंगे, क्वेश्चन वोशन इस पर चलेगा कि ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में चलता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बस मैं इन्फॉर्मेशन आपको दिया एक छोटा सा, सही है, लिख लीजिए यहाँ तक, लिख लियो, अब ध्यान देना, सही है, यहाँ तक कोई समस्या, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मिटा रहा हूँ इसको, अच्छा ये बताओ कि जैसे हम तुम पे फोर्स लगा रहे हैं, अब लगा रहे हैं ना इस लाह के हिसाब से, इसके हिसाब से लगा रहे हैं ना, तुम मेरे ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं चला जा रहा हूँ, हाँ ये सही बोला, मैग्नीट्यूड उस फोर्स की बहुत कम होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बिग फोर्स होता है, सही है, मैग्नीट्यूड कम, बहुत कम होता है, बहुत 10 टू द पावर माइनस 11 जो क्वांटिटी है ना वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, मतलब वो लगभग जीरो की तरफ आपको लेकर चल देगा वो, समझ में आ रहा है, तो उसके कारण आपके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं आ पाएगा, सही है।
तो इसीलिए फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ होता है, बड़े बड़े मास के केस में, इसलिए तो ग्रेविटेशन अलग से पढ़ा गया। उसमें देखते हैं ना प्लैनेट वगैरह के बारे में डिस्कशन होता है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो खास खास बातें थे क्या था कि ग्रेविटेशनल फोर्स पहला चीज़ सर अट्रैक्टिव होगा नेचर में, कोई भी दो मास के बीच में लग सकता है, सही है, दोनों मास एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, कहाँ अट्रैक्ट करेंगे, अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, है ना, विथ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सही है यहाँ तक, सही है। अच्छा अब सुनो मेरी बात, ध्यान देना, मान लो कि एक छोटा सा ऐसे ही है ना, एक छोटा सा ऐसे ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना, न्यूमेरिकल नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन है। मान लो कि तीन मास है, कितने मास है, तीन मास है, ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस पे रखे हुए हैं, सही है, ट्रायंगल कहाँ रखे हुए हैं, तीनों वर्टाइसेस पे, कितने मास रखे हुए हैं, तीन मास। मान लो कि ये एम वन है, ये क्या है एम वन है, और ये क्या है एम टू है, और ये क्या है ये तीन मास है, सही है। तो तीनों पेयर एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, है ना। अब चलो M1 के ऊपर कितने लोग फोर्स लगाएंगे भाई, M2 एंड तो M3 क्या करेगा, बोलेगा तू आ जा मेरे पास, है ना। ये फोर्स किस पे लगा, वन पे लगाया कौन, थ्री। अच्छा ये फोर्स किस पे लगा, वन पे लगाया कौन, टू, सही है। वैसे इसको भी खींचा जाएगा, इसको भी खींचा जाएगा, सही है। ये फोर्स किस पे लगा, टू पे, लगाया कौन, वन। ये फोर्स किस पे लगा, टू पे, लगाया कौन, थ्री, सही है। ये फोर्स किस पे लगा, थ्री पे, लगाया कौन, वन। ये फोर्स किस पे लगा, थ्री पे, लगाया कौन, टू, सही है क्या। मतलब जितने भी दो दो मास का पेयर बनेगा उतने फोर्सेस लगेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ में आ रहा है। और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, और इसका और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल, इसका और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल, इसका और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल, समझ में आ रहा है, क्लियर हो। अच्छा अब मुद्दे की बात यह है, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि तो सर हम भी तो अर्थ के ऊपर हैं, है कि नहीं है, है? हम भी कहाँ हैं, अर्थ के ऊपर हैं, क्लियर हो। हम अर्थ के ऊपर हैं तो अर्थ भी एक मास है और हम भी एक मास हैं, तो क्या सर अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, है लगा रहा होगा, नहीं लगा रहा होगा, बिल्कुल लगा रहा होगा, सही है। अब थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करते हैं, किसके बारे में, फोर्स ड्यू टू अर्थ, सही है। क्या लिखोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू क्या, अर्थ। यहाँ तो कोई समस्या, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना ड्यू टू किसके कारण, अर्थ, है ना, सही है सर। तो देखो अर्थ के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, कारण ये है कि अर्थ का मास काफ़ी ज़्यादा होता है, तो 10^-11 का जो क्वांटिटी आया था मल्टीप्लाई में, कैपिटल जी का जो वैल्यू था उसको वो क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, तो फोर्स इफेक्टिव होता है, मतलब वो फोर्स इफेक्टिव होता है जिसकी वैल्यू को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, है ना, जैसे समझते हैं बात को। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, मान लो ये अर्थ है, अभी इतना छोटा तो अर्थ होता नहीं है, मान लो आप अर्थ है, सही है, क्या ये अर्थ है, क्लियर हो। तो अर्थ के ऊपर कोई ये रखा हुआ है यहाँ पे, ये मान लो स्मॉल एम है, सही है, ये क्या है, अर्थ के मास को बोल दो कैपिटल एम ई, अर्थ के रेडियस को बोल दो क्या आर ई, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। एम ई क्या होता है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, याद है किसी को, किसी को याद है, एम ई होता है 6×10^24 के जी, ऐसे 5.99 बोलते हैं लोग, सही है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ इसको क्या, 6×10^24 के जी। उसके बाद आर ई, आर ई मतलब क्या, रेडियस ऑफ अर्थ, कितना, 6400 रेडियस ऑफ अर्थ, 6400 किलोमीटर होता है, सही है, 6400 किलोमीटर, ये क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, कितना, 6400 किलोमीटर, सही है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अब मान के चलो कि अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अर्थ भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, अर्थ भी इसके ऊपर, सही है। तो आप क्या करो, ये सब फंडा आगे जाकर सीखोगे सेंटर ऑफ मास वगैरह में, कि अर्थ को समझ लो बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट, कैसे समझो, और उसको वैसा समझ के कहाँ रख दो उसको, सेंटर पे, ऐसा मान लो कि अर्थ का मास यहाँ पे कंजर्व है, इससे अर्थ इतना बड़ा नहीं है, ऐसा समझो कि अर्थ इतना बड़ा नहीं है, अर्थ का मास यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे कैपिटल में यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब अर्थ को एक पॉइंट मास समझ लो और यहाँ रिप्लेस कर दो, क्यों सर, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में स्टडी अच्छे से हो पाएगा। यहाँ पे कौन है, एम ई है, तो मेरा कहना यह है कि ये मान लो क्या है, कैपिटल एम है, सही है, और यहाँ पे कौन है, ये अर्थ का सेंटर था, इस पे कौन था, यहाँ पे किसको देखा गया, अर्थ के मास को, समझ में आ रहा है। अच्छा तो इनके बीच का डिस्टेंस आपको पता है,
कितना डिस्टेंस इनके बीच का? आर ई, सही है क्या? कितना इनके बीच का डिस्टेंस? आर ई। अरे बोलोगे? यस सर। तो क्या इनके बीच भी फोर्स लगेगा? हाँ सर, सही है। अर्थ क्या करेगा, मास को अपनी तरफ क्या करेगा, बुलाएगा, आ जा, सही है। ये फोर्स कौन लगाया? फोर्स कौन लगाया? फोर्स ऑन कैपिटल एम लगा, फोर्स ऑन स्मॉल एम, बोलो क्या बोलो, स्मॉल एम, ड्यू टू किसके कारण? अर्थ, ड्यू टू अर्थ बोलो ना सीधा, ड्यू टू क्या? अर्थ, सही है। अर्थ क्या करेगा, इस मास को अपने सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ पुल करेगा। बट नीचे नहीं बोलोगे, नीचे नहीं बोलोगे, कहाँ बोलोगे? सेंटर के तरफ पुल करेगा। कौन? अर्थ। मेरी बात समझ में आ रही है? अर्थ क्या करेगा इस मास को? सेंटर की तरफ पुल। तो आप भी अर्थ को पुल करोगे? करोगे नहीं करोगे? पक्का? तो अर्थ आपके तरफ क्यों नहीं गया? फोर्स बराबर था, मानता हूँ, लेकिन अर्थ का मास इतना ज्यादा था ना कि उसकी एक्सेलरेशन उसमें नहीं आ पाया। सही है। अगर अर्थ की तरफ बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉइड अगर आए तो अर्थ भी चलना शुरू कर देगा। समझ आया? पढ़ोगे आगे चलकर, ठीक है, है ना? बड़ा अजीब लगेगा ये सब संयोग, ठीक है, लेकिन अर्थ का मास इतना ज्यादा रहता है ना, क्या मतलब अर्थ ऊपर शिफ्ट नहीं हो पाता है, ना के बराबर, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात, तो हम लोग इसी फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू? जो अर्थ लगाया है किसके ऊपर? स्मॉल एम के ऊपर। इसको क्या लिखोगे? ये हो जाएगा क्या, कैपिटल जी और क्या स्मॉल एम और क्या कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाई क्या, आर ई स्क्वायर। सही है क्या? तो ये क्या, इसको लिख दूंगा जी एम ई डिवाइडेड बाई क्या, आर ई स्क्वायर, सही है क्या, इंटू क्या स्मॉल एम। लिख सकता हूँ ना इसे, है क्या? जी की वैल्यू पता है आपको? जी की वैल्यू कितना है? 6.67 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। सही है। अच्छा, जी का डायमेंशन भी पूछा जाता है बच्चों से? हाँ सर। न्यूटन के जगह पर क्या लिखना है? एम एल टी पे पावर -2 मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर और के जी स्क्वायर के लिए क्या एम स्क्वायर। समझ आ रहा है? और एम ई आपको पता है, मास ऑफ अर्थ पता है कितना, 6×10^24 के जी। और आर ई भी पता है आपको, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, यानी 6400 किलोमीटर को 10^3 से इंटू कर दो तो क्या जाएगा, वो मीटर हो जाएगा। सही है। अब ये पूरा वैल्यू जो ये डब्बे में बंद है, वैल्यू कौन, ये वाला, ये तो आपको पूरा पता है एक तरीके से? हाँ, सर, पता है। ये मालूम है ना? अब इसको सोल्व किया गया, क्या किया गया इसको? सोल्व। तो इसकी वैल्यू लगभग सोल्व करने के बाद आया 9.8 के इक्वल आया। कितना आया? 9.8, है ना? सही है। हमारे न्यूटन भैया बोल दिए कि भैया इसको 9.8 बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, स्मॉल जी बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा इसको? स्मॉल जी बोल दूंगा। स्मॉल जी इज़ इक्वल टू क्या? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है क्या? तो न्यूटन भैया बोल दिए कि ये जो फोर्स अब अच्छा लगा देखने में, ये फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मॉल एम जी। क्या हो जाएगा फोर्स? स्मॉल एम जी। ये फोर्स कौन लगाया? अर्थ। किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। सही है। इस फोर्स को क्या बोला गया? स्मॉल एम जी। जो जी आप पढ़ते आ रहे थे काइनेमेटिक्स में, पूरा क्लियर हो? काइनेमेटिक्स में जिसके बारे में स्टडी करते आ रहे, तो वही जी है ये। सही है क्या? तो आप चाहो तो इसको याद रखना, ग्रेविटेशन में तो याद रखना ही पड़ जाएगा। जी की जो वैल्यू होती है क्या होता है, कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर, यही वैल्यू आया था ना 9.8। ये याद रखो तो ग्रेविटेशन में बड़ा फायदे में रहोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? सही है क्या? यहाँ तो कोई समस्या? तो स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो क्या होता है, कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई क्या, आर ई स्क्वायर। सही है। बोलोगे? सही है। किसका वैल्यू होता है? स्मॉल जी का। और इसकी वैल्यू कितना आया था सोल्व करने के बाद? 9.8। थोड़ा देर में आपको फोन कर रहे हैं। हेलो सर, हेलो सही है। तो आप याद रखोगे कि स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड क्या होता है, आर ई स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है? यानी अर्थ के ऊपर कोई चीज रखा हुआ है, अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो कि ये क्या है, स्मॉल एम है, तो अर्थ क्या करेगा इसको स्मॉल एम जी फोर्स से क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। कहाँ पुल करेगा? सेंटर। अब यहाँ पे रखा हुआ तो उसको कहाँ पुल करेगा? टुवर्ड सेंटर। पक्का ना? है तो नीचे नहीं गिर जाएगा यार? नहीं गिरेगा नीचे, बर्चा है इसका वर्टिकल ये होगा, मतलब इसके भगवान जी इधर होंगे, जैसे नहीं बोलता अल्लाह या भगवान, तो यहाँ पे जो आदमी होगा ना, ये भगवान इधर इधर याद करता होगा भगवान को, है ना? यहाँ पे जो आदमी होगा उसके भगवान जी ऊपर दिखाई देते होंगे, जो आप सोचते हो जैसा। सही है। अच्छा, यहाँ पे जो आदमी होगा नहीं, नीचे गिर जाएगा है, इसको भी सेंटर की तरफ पुल करेगा। यहाँ पे जो आदमी होगा इसको भी सेंटर की तरफ पुल करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आदमी होगा इसको भी क्या करेगा, सेंटर की तरफ पुल करेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो? अरे बोलोगे? तो बहुत लोग सोचते हैं ऐसा, अर्थ पे इधर लोग नहीं रहते होंगे, गिर जाते होंगे,
ठीक है, इसको भी क्या करेगा सेंटर की तरफ क्या करेगा पुल करेगा। अब कितने फोर्स से पुल करेगा, mg से। कितने से पुल करेगा, mg। यानी अर्थ के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो अर्थ क्या करता है उसको अपने सेंटर की तरफ खींचता है विद फोर्स कितना, स्मॉल mg। सही है, पक्का लिख लीजिए भैया, यहाँ तो कोई समस्या किसी को, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूँ भाई। सर अभी कहाँ पे, हाँ क्या 980 फोर्स लगा रहे यार, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इसमें मास का क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास आ जाएगा, है ना, क्लियर हो। यानी आज के बाद याद रखा जाएगा अगर अर्थ के ऊपर कोई चीज रखा हुआ है तो अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ क्या करता है, पुल करता है विद फोर्स कितना, हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, हाँ यार, हाँ जनरल सर, क्या है क्या पढ़िए अपना बताइए, हेलो आवाज नहीं जा रहा क्या, आप रुकिए थोड़ा देर में फोन कर रहे हैं, सही यहाँ तक सही है, ये बात को याद रखना है ठीक है, कि अर्थ के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अच्छा ये फोर्स जो डिराइव किए हो क्या अर्थ से काफ़ी दूर के लिए डिराइव किए हो कि नियर द अर्थ सरफेस, नियर द सरफेस, नियर द सरफेस के लिए भी यही लगाते हैं है ना, क्योंकि रेडियस के कंपेयर में क्या रहता है काफ़ी छोटा रहता है, सही है सही है, है? अगर मान लो कि कोई चीज़ अर्थ से 1000 किलोमीटर ऊपर है तो उस पर एक्सेलरेशन स्मॉल जी लगेगा या कुछ और लगेगा, कुछ अलग हो जाएगा ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिए 100 किलोमीटर ऊपर, मतलब 100 किलोमीटर ऊपर से गिरा दिए तो बताओ अर्थ पे आने में कितना टाइम लगेगा, तो उसको डील करने का तरीका ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे ठीक है। जो हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े हैं 100 मीटर 50 मीटर ये सब के लिए पढ़े ठीक है, है ना, 500 मीटर से ऊपर जाए कहानी ग्रेविटेशन की तरफ चल दिया, सही है। तो क्या याद रखना है कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, सही है, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, तो अर्थ उसको क्या करता है टुवर्ड्स द सेंटर क्या करता है पुल करता है, इसको लिख लेते हैं नोट करके, छोटी बात है, क्या लिखोगे, अर्थ पुल्स है ना एनी ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस और ऑन द सरफेस, और क्या ऑन द सरफेस विथ फोर्स कितना, फोर्स क्या बोलोगे, विथ फोर्स mg, विथ फोर्स क्या mg। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के नियर में है या अर्थ के ऊपर रखा हुआ है तो अर्थ उसको क्या करता है अपने सेंटर की तरफ पुल करता है, कितने फोर्स से पुल करता है, mg फोर्स से पुल करता है, समझ में आ रहा है, बोलोगे यानी अर्थ के ऊपर कोई चीज कहीं पे रखा हुआ है, मान लो ये है, अभी अभी डायग्राम बनाकर बताया था एक और देख लीजिए, सही है, तो अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ पुल करेगा कितने फोर्स से, mg से, यहाँ पे रखा हुआ है तो अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ पुल करेगा कहाँ कितने से, mg से, समझ में आ रहा है, यहाँ पे रखा हुआ है तो अर्थ क्या करेगा इसको अपने सेंटर की तरफ पुल करेगा mg से, सही है, बोलोगे यहाँ पे रखा हुआ है तो अर्थ क्या करेगा सेंटर की तरफ पुल करेगा mg से, इसलिए आप नीचे नहीं गिर पा रहे हो, नहीं तो आप गिर गए होते, ग्रेविटी नहीं रहता तो आप गिर गए होते ठीक है, उड़ने लगते हवा में, सही है क्या, ये है ना इधर है तो इधर क्या फोर्स mg, सही है क्या, बोलोगे यहाँ पर रहेगा तो यहाँ फोर्स क्या लगेगा mg, बात समझ में आ रहा है, अर्थ क्या करता है अपने सेंटर की तरफ क्या करता है पुल करता है, समझ में आ रहा है। अच्छा सुनो एक और बात बताओ कि मैं तो ये बच्चों से पूछता हूँ, तुम लोग भी बताओ थोड़ा सा, कि हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं या अंदर में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, जैसे यहाँ पे कोई आदमी रह सकता है नहीं रह सकता है, अर्थ के अंदर नहीं रहते हम लोग,
पक्का? हाँ ठीक है, तुम लोग मालूम हम लोग अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, अर्थ के अंदर नहीं रहते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना इधर इधर रहते होंगे सर, कहीं पे अंदर में घुस के रहते होंगे हम लोग, है ना। अंदर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि मर जाओगे सही दिन दहाड़े, सही क्या है। असमोल जी की वैल्यू कितना है भाई? 9.8। असमोल जी की वैल्यू कितना? 9.8। जी वो तो सब याद रखता है, इसको याद रखना। जी एम ई भाई क्या आर ई स्क्वायर और क्या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। बोलोगे है, मान लो ये अर्थ है और मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर अर्थ कहाँ लगा रहा होगा फोर्स? एम जी सेंटर की तरफ, है ना। yes, सही है। वर्टिकली डाउनवर्ड बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? वर्टिकली डाउनवर्ड। एम जी जो लगेगा क्या वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब सेंटर की तरफ। वर्टिकली डाउनवर्ड का ही मतलब हो गया क्या सेंटर। जैसे यहाँ पर जो आदमी होगा ना उसका वर्टिकल लाइन ये होगा, यहाँ पर जो आदमी है उसका वर्टिकल लाइन ये होगा, यहाँ पर जो आदमी उसका वर्टिकल लाइन ये होगा, यहाँ पे जो आदमी उसका वर्टिकल लाइन ये होगा। तो अर्थ क्या करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ सरफेस है या अर्थ अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, तो अर्थ उसको विथ एम जी फोर्स क्या करता है अपनी तरफ पुल करता है। yes, समझ में आ रहा है? yes, बोलोगे? yes, सही है क्या? yes, जैसे मान लो कि यहाँ पे रखा हुआ है तो अर्थ कहाँ लगा रहा है इसके ऊपर फोर्स, अर्थ कहाँ लगा रहा है फोर्स है वर्टिकली क्या? हाँ डाउनवर्ड। मैं पूरा पिक्चर में अभी नहीं दिखा रहा हूँ, पूरे फोर्सेज को नहीं दिखा रहा हूँ, आगे चलकर आप कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ोगे, अभी और फोर्स लगेंगे इस पर, ठीक है, नॉर्मल वगैरह लगेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ अर्थ द्वारा लगाए गए फोर्स का डिस्कशन कर रहा हूँ। ये फोर्स कौन लगाया? फोर्स क्या? ड्यू टू अर्थ। ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है, अधूरा है, मतलब गलत बोल सकते हो अभी, सही है। मैं सिर्फ और सिर्फ किस में इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ? फोर्स ड्यू टू अर्थ। समझ में आ रहा है? मान लो ऐसे कोई चीज रखा हुआ है इस तरीके से, सही है, कोई सरफेस पे, तो अर्थ इसके ऊपर कहाँ फोर्स लगाएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, सही है। yes, नीचे नहीं बोलते, वर्टिकली डाउनवर्ड बोलो, सही है क्या? yes, कोई दिक्कत यहाँ तक? no, बोलोगे? yes, जैसे मान लो कि कोई चीज ऐसे रखा हुआ है तो अर्थ इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगाएगा? वर्टिकली क्या? डाउनवर्ड। समझ में आ रहा है? yes, sir. Yes, sir. बोलो तो, कोई चीज ऐसे रखा हुआ है, सही है, अर्थ कहाँ फोर्स लगाएगा? वर्टिकली डाउन। और लोग कहाँ लगा रहे हैं इसके ऊपर हम ज़्यादा कंसंट्रेट अभी नहीं कर रहे, करेंगे इसी चैप्टर में करेंगे, लेकिन अभी अभी हम सिर्फ और सिर्फ अर्थ के द्वारा लगाए गए फोर्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्लियर हो? yes, समझ में आ रहा है? yes, किसी कोई समस्या? बोलो तो। no, पक्का ना? तो अर्थ क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो नियर द सरफेस या अर्थ के ऊपर रखा हुआ है उसको विथ फोर्स एम जी अपने सेंटर की तरफ क्या करता है? उसको पुल करता है। मतलब दुनिया में कोई भी मास हो, दुनिया में कोई भी मास हो, अगर अर्थ पे रखा हुआ तो एक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। कौन सा? एम जी। कहाँ लगेगा? वो अर्थ के सेंटर की तरफ। मतलब अर्थ क्या करेगा? उसको अपने सेंटर की तरफ पुल करेगा। मतलब ये याद रख लो, आगे चलकर आप फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ोगे, सही है। ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है सर, बार बार आप बोल रहे हो, उसको मैं समझा ही दे रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। एफ वी डी क्या होता है देख लो भैया, समझ लो उसको भी। एफ वी डी है ना, एफ वी डी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, सही है क्या? फ्री बॉडी डायग्राम। पहली बात नाम से नहीं डरना है। yes. दूसरी बात, अगर ये बनाने आ गया आप एनएलएम जीत गए। yes. सही है, फ्री बॉडी डायग्राम, इसको भी देख लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, सही है। ये क्या होता है? ऑल फोर्सेस, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या? ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन, एक्टिंग ऑन बॉडी, एक्टिंग ऑन क्या? बॉडी, सही है। एक्टिंग ऑन बॉडी, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दोज फोर्सेस, उन फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन है जो बॉडी के ऊपर क्या हो रहे हैं? एक्ट हो रहे हैं। उस फोर्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं है जो बॉडी फोर्स लगा रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं फ्री बॉडी, जो बॉडी पे फोर्स लगाए जा रहे हैं उनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? FVD, उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? FVD, जो फोर्स बॉडी लगाया उसको उसके FVD में नहीं दिखाते हैं। जैसे ये अर्थ के ऊपर लगाया होगा ना फोर्स, ये अर्थ को कहाँ खींचा होगा? ऊपर सेंटर को। उसको नहीं दिखाते इसके फ्री बॉडी में, इसके फ्री बॉडी में इसके ऊपर जो बाहरी फोर्सेज लगाए, जो दूसरे लोग लगाए उसको दिखाते हैं FVD में। ये कहाँ फोर्स लगाता है उसको नहीं दिखाते हैं। क्लियर हो जाना भैया बढ़िया टाइप से। इसके FVD में इसके द्वारा लगाए गए फोर्स को नहीं दिखाते, खुद के FVD में खुद के द्वारा लगाए गए फोर्स को नहीं दिखाते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ देहाती भाषा में, खुद के FVD में खुद के द्वारा है ना लगाए गए फोर्स को
नहीं दिखाते हैं, क्लियर हो जाना, नहीं दिखाते हैं। जब मैं पढ़ता था 11 तो मुझे यही कन्फ्यूजन लगता था कि भाई चलो ये ठीक है अर्थ इसके ऊपर तो फोर्स लगाया, लेकिन अर्थ भी फोर्स अर्थ के ऊपर भी ये फोर्स लगाया होगा, तो उसको तो FVD में नहीं दिखाया गया। खुद के FVD में खुद के द्वारा लगाए गए फोर्स को नहीं दिखाते, खुद के FVD में दूसरे के द्वारा लगाए गए फोर्स को दिखाते हैं, क्लियर हो जाना, सही है क्या? खुद के FVD में, मेरे FVD में मेरे द्वारा लगाए गए फोर्स को नहीं दिखाया जाएगा, हमारे ऊपर जो फोर्स लगाए हैं बाहरी लोग या अदर लोग लगाए हैं उसको दिखाएंगे, समझ में आया? Yes, है ना, ये हमारा FVD का कहानी रहेगा, समझ में आया? Yes, हम जिसके ऊपर फोर्स लगाए हैं उसके उसके FVD में जाकर दिखाएंगे। Yes, समझ में आ रहा है? क्लियर हो? Yes, तो ये बात को याद रखना, खुद के FVD में खुद के द्वारा लगाए गए फोर्स को नहीं दिखाते हैं, समझ में आ रहा है? क्लियर yes, हो यहाँ तक? Yes, FVD क्या होता है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी, और FVD में खुद के द्वारा लगाए गए फोर्स को उसके खुद के FVD में नहीं दिखाते हैं। क्लियर हो जाना यहाँ तक? Yes, सही है? Yes, sir. यहाँ तक कोई समस्या? No, sir. अच्छा मिटा रहा हूँ भाई। Yes, yes, तो अर्थ के द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स में क्लियर हो सब लोग की दिक्कत है किसी को? पक्का? अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या कूलॉम्ब्स फोर्स जिसको बोलते हो, ठीक है? अब किसके ऊपर आते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करता है, ये सब बातों को याद रखना, खुद के FVD में खुद के द्वारा लगाए गए फोर्स को नहीं दिखाते हैं, सही है? जो मेरा कंफ्यूजन था जब मैं क्लास 11 तो पढ़ता था, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन था, चलो मैं तो उसके ऊपर फोर्स, वो तो मेरे ऊपर फोर्स लगाया, तो अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन मैं भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो वो उसको नहीं दिखाए FVD में, यार बताओ कुछ भी चल रहा है नाटक, समझ में आ रहा है? मैं पहले ऐसे सोचता भी था, जैसे ना जैसे तुम लोगों को नहीं बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं भाई दोनों एक दूसरे के ऊपर, हम तुम्हारी तरफ क्यों नहीं चलती, तो मैं जानते हो क्या लॉजिक देता था पहले जब पढ़ता था उस समय, है ना, कि तू मेरे ऊपर फोर्स लगाया मैं भी तेरे ऊपर फोर्स लगा, दोनों कैंसिल हो गए, नेट 4-0, तो ये लॉजिक नहीं था, गलत लॉजिक था, ठीक है? तो ऐसा नहीं पढ़ाते हुए मैं किसी को बताया मैं सोचिए, ठीक है, मैं जब पढ़ता था तब की बात, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होता भाई, क्लियर हो? कि एक तुम्हारा फोर्स और हमारा फोर्स मिलकर कैंसिल हो रहा, हमारे फोर्स मतलब हमारे FVD में वो सारे फोर्स को दिखाए जाएंगे जो बाहरी लोग लगाए हैं, है ना, हमारे FVD हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स नहीं दिखाया जाएगा, सही है क्या? क्लियर हो यहाँ तक? यस सर। अब अगला सेकंड नंबर का फोर्स देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकंड नंबर का क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या क्या बोलोगे, कूलॉम्ब्स फोर्स, है ना? यस सर। है ना, ये फोर्स बेसिकली चार्ज के लिए था, किसके लिए था? चार्ज बॉडी के लिए, किसके लिए था? है ना, ये कुछ नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी मिलता जुलता फोर्स है, नहीं थोड़ा सा अलग है, क्या लिखोगे? लेट देयर आर टू चार्जेज, है ना, इसमें क्या लिखोगे? लेट देयर आर कितने चार्जेज? देयर आर टू चार्जेज, दो चार्ज हैं, कितने चार्ज हैं? टू चार्जेज, Q1 एंड Q2, दो चार्जेज हैं Q1 और क्या Q2, विच आर केप्ट एट Some distance, है ना? Then both charge will apply force, है ना? On each other, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे? दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। लेट देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 व्हिच आर केप्ट एट सम डिस्टेंस, देन बोथ चार्ज अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम, है ना? अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड अपोजिट इन क्या डायरेक्शन, क्लियर हो? एंड अपोजिट इन क्या डायरेक्शन, तो सर ग्रेविटेशन में भी तो सारा बात यही लिखे थे, तो ये ग्रेविटेशन से अलग कैसे हो गया सर? अलग है, ग्रेविटेशन में एक बात और जोड़ा था,
तो अट्रैक्ट करते हैं। ये बात यहाँ कहाँ लिखाऊँ, ये लिखाऊँ क्या? लेट देर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 विच आर केप्ट एट सम डिस्टेंस, देन बोथ चार्ज विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर, दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, अब अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, ये बात नहीं बोला हूँ अभी तक, ठीक है, अट्रैक्ट है ना, सही है, देन बोथ चार्ज विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर अलोंग लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, सही है, कहाँ पे लगाएंगे फोर्स, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सही है, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, इट मे बी अट्रैक्टिव और क्या रिपल्सिव, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है रिपल्सिव भी हो सकता है, सही है, फॉर सेम नेचर चार्ज के लिए रिपल्सिव, फॉर सेम नेचर चार्ज, सेम नेचर चार्ज के लिए क्या रहेगा रिपल्सिव, अगर चार्ज सेम नेचर के रहेंगे तो क्या रहेगा रिपल्सिव होगा फोर्स, सही है, रिपल्सिव फोर्स होगा, और क्लियर हो, yes. और अपोजिट नेचर के लिए अट्रैक्टिव, फॉर अपोजिट नेचर के लिए क्या रहेगा अट्रैक्टिव, अपोजिट नेचर चार्ज ये क्या रहेगा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, कैसा होगा ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्लियर हो, yes. अगर चार्ज सेम नेचर के रहेंगे, चार्ज क्या रहेंगे सेम नेचर के, सेम नेचर मतलब क्या प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तब फोर्स कैसा होगा रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव होगा, और अपोजिट नेचर के होंगे तो फोर्स कैसा होगा अट्रैक्टिव होगा, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जानते हो, प्लस किसको बोलते हैं माइनस किसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ शायद इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता था उसको क्या बोलते हैं माइनस चार्ज बोलते हैं, और जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है उसको प्लस चार्ज बोलते हैं, सही है, तो ये सब तो अपने को चर्चा नहीं करना है, बस मैं बता दिया आपको ऐसे ही टाइम पास के लिए। तो कूलॉम्ब्स फोर्स क्या था या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या था, बोला गया कि दो चार्ज हैं, क्या है दो चार्ज हैं, क्या है Q1 और क्या है Q2 है, सही है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है R, इनके बीच में क्या है कुछ डिस्टेंस क्या है R, समझ में आ रहा है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे फोर्स लगाएंगे, दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, अब फोर्स कहां लगाएंगे इस लाइन के ऊपर लगाएंगे, इस लाइन के ऊपर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, अगर ये सेम नेचर के रहेंगे, अगर ये क्या रहेंगे सेम नेचर के, तो फोर्स क्या होगा रिपल्सिव होगा, और अगर ये अपोजिट नेचर के होंगे तो फोर्स क्या होगा अट्रैक्टिव होगा, जैसे मान लो ये दोनों प्लस प्लस हैं, दोनों क्या हैं प्लस प्लस, तो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, रिपल्सिव नेचर होगा, सही है, कैसा नेचर होगा रिपल्सिव होगा, अब कैसे रिपेल करेंगे भाई, तो Q1 क्या बोलेगा Q2 को, तू मेरे पास आया है मेरे से दूर भाग, दूर जा, सही है, तो फोर्स किसके ऊपर लगा टू के ऊपर लगाया कौन वन, सही है, और इसको क्या बोलेगा तू भी दूर जा मेरे ऊपर से मेरे पास से, तो ये क्या हो जाएगा F12, सही है, क्लियर हो, यानी कहने का मतलब ये है कि F12 वेक्टर जो है माइनस ऑफ किसका है F21 वेक्टर, सही है क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा F12 का और किसका F21 का, सही है क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इक्वल रहेगा, सही है, बोलोगे, और इस फोर्स की जो वैल्यू होती है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है किसका F12 और F21 की जो वैल्यू होती है याद है किसी को, मैग्नीट्यूड होता है क्या Q1 Q2 बाई क्या R2, यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड रखेंगे, जैसे -3 किलो में तो ऐसा नहीं कि -3 में रख देना, यहाँ पे 3 रखना, ठीक है ना, ये Q1 Q2 क्या है चार्ज का मैग्नीट्यूड, K क्या होता है, K की वैल्यू याद है 9×9 यूनिट, इधर देखो यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स के लिए क्या बोलोगे न्यूटन, इसको ऊपर लेके जाओगे ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, गुलाम स्क्वायर, सही है क्या बोलोगे, इसका डायमेंशन भी पूछा जा सकता है नीट वगैरह, नीट में तो बिल्कुल पूछ देगा डायमेंशन के का, सही क्या, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या पर गुलाम स्क्वायर, अब मान लो कि दो चार्ज हैं, ये पे ये मान लो क्या प्लस Q1 है और क्या है माइनस Q2 है, सही है क्या बोलोगे, तो यहाँ पे फोर्स कैसा होगा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, है अट्रैक्टिव होगा, क्या होगा यहाँ पे फोर्स अट्रैक्टिव होगा, सही है, एक दोनों का चार्ज क्या है अपोजिट नेचर का चार्ज है ना यार, तो Q1 Q2 क्या करेगा बुलाएगा आ जा मेरे पास, ये फोर्स कौन लगाया किसके ऊपर लगा टू के ऊपर लगाया कौन वन, सही है, अच्छा Q2 भी क्या करेगा Q1 को बुलाएगा, फोर्स कौन लगाया फोर्स किसके ऊपर वन लगाया कौन टू, सही है क्या बोलोगे, तो अगर चार्ज सेम नेचर के रहेंगे, चार्ज सेम नेचर के रहेंगे तो रिपल्सिव फोर्स होगा, चार्ज अपोजिट नेचर के रहेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या कूलॉम्ब्स फोर्स, सही है, इसको कूलॉम्ब्स नाम का साइंटिस्ट इसको डिराइव किया था, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया कूलॉम्ब्स फोर्स, सही है क्या, कोई दिक्कत लिख लिए भाई, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, मिटा रहा हूँ, सही है तक, यहाँ तक कोई समस्या, सही है,
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या कूलम्ब्स फोर्स में खास बात क्या, चार्ज होने जरूरी है, दो चार्ज होने जरूरी है, है ना। जो फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम लगेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा, और डायरेक्शन क्या होगा उनका, अपोजिट होगा। अगर चार्ज सेम नेचर के रहेंगे, चार्ज सेम नेचर के रहेंगे तो रिपल्सिव फोर्स होगा, और चार्ज अपोजिट नेचर के रहेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। सही है क्या? बोलोगे? सही यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए ध्यान देना भैया, जैसे मान लो कि ये माइनस क्यू वन चार्ज है और ये क्या है, माइनस क्यू टू चार्ज है। सही है? बोलोगे? कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव अट्रैक्टिव। कैसा होगा? रिपल्सिव, यानी क्यू वन क्यू टू क्या करेगा, दूर भगाएगा। ये फोर्स टू के ऊपर लगाया कौन, वन, और ये क्या करेगा, ये भी दूर होगा, है ना। सही है? क्यू टू क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा ना। तो फोर्स के ऊपर लगा, वन के ऊपर लगाया कौन, टू। नहीं समझ में आ रहा क्या बोलते, क्या नहीं। मान लो कि ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए हैं, ये Q1 है और ये माइनस Q2 है और ये क्या है, Q2 3, Q3 है। तो ये दोनों के फोर्स के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, Q3 क्या करेगा Q1 को, दूर भगाएगा। सही है? क्या करेगा, दूर भगाएगा। सही है? और ये Q2 क्या करेगा, इसको ऐसे बुलाएगा पास, यही ना। तो फोर्स वन के ऊपर लगाया कौन, लगाया टू। ये फोर्स वन के ऊपर लगाया कौन, थ्री। सही है? इसके ऊपर भी दो फोर्स लगेंगे, Q3 लगाएगा, Q3 उसको बुलाएगा पास में। सही का, Q1 भी बुलाएगा उसको पास में। तो फोर्स ऑन टू लगाया कौन, थ्री। फोर्स ऑन टू लगाया कौन, वन। सही क्या बोलोगे? अच्छा यहाँ पे आ जाओ, Q3 के पास आओ, तो ये दोनों के बीच में कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव। सही है? तो टू क्या करेगा, इसको बुलाएगा अपने पास। ये थ्री के ऊपर फोर्स लगाया कौन, टू। और यहाँ क्या, रिपल्सिव। सही है क्या? तो फोर्स किसके ऊपर लगा, थ्री के ऊपर लगाया कौन, वन। सही है? ऐसे ही तो फ्री बॉडी होते होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, याद आ रहा है? ऐसे ही बनते थे ना। फिर कुछ नहीं, उसको तो वेक्टर है, कंपोनेंट तोड़ के रिजल्टेंट निकाल दो है। बोलोगे? मैं तो पढ़ता था, मुझे नहीं बनाने आता था। सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। मैं जिसमें पढ़ता था मुझे नहीं बनाने आता ढंग से, पता नहीं क्यों नहीं आता था, भगवान जाने। है कोई बड़ी चीज़ नहीं। सही है? तो किसको डिस्कशन था, कूलम्ब्स फोर्स का। किसका डिस्कशन था, कूलम्ब्स। अच्छा, इसी में बहुत सारे वैरायटी थे कूलम्ब्स फोर्स में। सही है? कूलम्ब्स फोर्स में बहुत सारे वैरायटी थी। सही है? कूलम्ब्स फोर्स में बहुत सारे वैरायटियाँ थी। सही है? इसमें था कॉन्टेक्ट फोर्स, कौन सा था, कॉन्टेक्ट फोर्स। सही है? उसके बाद था तुम्हारा टेंशन था, क्या था, टेंशन था। फिर था स्प्रिंग फोर्स था। सही है? बोलोगे? ये सब किसके टाइप्स थे, कूलम्ब्स फोर्स के। बहुत लोग बोलते हैं कि कूलम्ब, मतलब बहुत लोग नहीं बताते कि कूलम्ब्स फोर्स क्या टाइप है, बोलते हैं ये अलग है, क्लासिफिकेशन इसको अलग कर देते हैं। ये इसी के तीन बच्चे थे, किसके, कूलम्ब्स फोर्स के। कौन कौन, कॉन्टेक्ट फोर्स, टेंशन और क्या, स्प्रिंग फोर्स। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बोलोगे? सही है? अब इनके बारे में डिस्कशन देखते हैं। किसके बारे में, कॉन्टेक्ट फोर्स, टेंशन और क्या, स्प्रिंग फोर्स। ये कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है जी, पहली बात, कॉन्टेक्ट फोर्स किसका बच्चा था, किसका बच्चा था, ये कूलम्ब्स फोर्स का बच्चा था। सही है? मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, एम है, है ना। ग्राउंड सरफेस पे क्या है, रखा हुआ है, ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है। तो ऐसा बोला गया, ऐसा बोला गया, ऐसा क्या कह गया, बोला गया, ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। सही है? अरे बोलोगे, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा और क्या होगा, न्यूट्रॉन भी होगा। क्लियर हो गया? हाँ सर। सही है? तो और ये नीचे वाले सरफेस पे भी होगा चार्ज। यस सर। तो ऐसा बोला गया कि ये जैसे ही इससे आकर मिला ना, जैसे इसमें आकर सटा, सही है, तो दोनों के बीच में चार्ज जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, चार्ज। तो दोनों, अब चार्ज जैसे ही जनरेट हुआ तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स लगाना शुरू कर देंगे। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर देंगे, फोर्स। अच्छा, उसका फोर्स का जो डायरेक्शन वायरेक्शन था ना, वो हूबहू पता नहीं लग पाया। कारण क्या था कि भाई एक सरफेस यहाँ है, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ है, तो उनका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सही है? एक चार्ज यहाँ है तो उनका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो डायरेक्शन के बारे में आइडिया ढंग से
इंसान को नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या बोला इंसान कि भाई इसके दो बच्चे तोड़ दो। कितने बच्चे बना दो? दो बच्चे, है ना। कॉन्टेक्ट फोर्स के दो बच्चे थे, एक फ्रिक्शन फोर्स कहलाया। क्या कहलाया? है ना, कॉन्टेक्ट फोर्स के दो बच्चे थे, एक क्या था? फ्रिक्शन फोर्स था और दूसरा क्या था? नॉर्मल कॉन्टेक्ट। दूसरा क्या था? नॉर्मल फोर्स। सही है। अब फ्रिक्शन फोर्स तो एक अलग चैप्टर ही है, इसके बारे में तो ज्यादा अभी चर्चा नहीं करेंगे। अरे इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सही क्या? इसका चर्चा कहाँ चलेगा? अगले चैप्टर में चलेगा। अरे भाई वो तो चैप्टर ही है, तभी काय बात कर ले उसके बारे में। सही है। तो एक कॉन्टेक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट टूटा, एक फ्रिक्शन फोर्स कहलाया और दूसरा कहलाया नॉर्मल कॉन्टेक्ट। दूसरा क्या कहलाया? कंपोनेंट तो ऐसे ही तोड़ते हैं ना, परपेंडिकुलर। सही है। ये क्या था? नॉर्मल था। ये क्या था? नॉर्मल फोर्स। सही है। कॉन्टेक्ट फोर्स ऐसा कुछ था, उसका दो कंपोनेंट तोड़ दिया। किसका? कॉन्टेक्ट फोर्स का। सही है। कॉन्टेक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट तोड़ा, एक क्या कहलाया? फ्रिक्शन फोर्स, और एक क्या कहलाया? यानी एफ सी कॉस थीटा क्या हो गया? फ्रिक्शन, और एफ सी साइन थीटा क्या हो गया? नॉर्मल फोर्स। समझ में आ रहा है? तो हमें चर्चा किसके बारे में करना है? सिर्फ नॉर्मल फोर्स के बारे में। किसके बारे में चर्चा करना है अभी? फ्रिक्शन के बारे में तो आगे देखेंगे ही देखेंगे, है ना। हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? नॉर्मल फोर्स के बारे में। सही है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, वेन टू बॉडीज है ना, आर पुट इन कॉन्टेक्ट। अगर दो बॉडी को एक दूसरे काय में रखे हो, कॉन्टेक्ट में रखे हो, सही है, और उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं मान के चल रहा हूँ भाई, क्योंकि फ्रिक्शन का जो भी चर्चा हुआ वो अगले चैप्टर में करेंगे ना। अभी कोई फ्रिक्शन का चर्चा नहीं है, मतलब अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है ऐसा मान के चलना है आपको। वेन टू बॉडीज आर पुट इन क्या? कॉन्टेक्ट। अगर दो बॉडी एक दूसरे के काय में रखे हुए हैं, कॉन्टेक्ट, जैसे समझ लो ये सरफेस और ये, है ना, देन बोथ विल क्या लिखेंगे? रिपेल इच अदर। दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? है ना, बोलोगे? बोथ विल रिपेल इच अदर परपेंडिकुलर टू दियर कॉन्टेक्ट सरफेस। परपेंडिकुलर टू दियर क्या? कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट सरफेस। उनका उनके सरफेस के बीच में जो कॉन्टेक्ट होगा उसके परपेंडिकुलर क्या होगा? दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसी फोर्स को क्या बोलेंगे? नॉर्मल कॉन्टेक्ट। जैसे मान लो कि ये है, ये मास एम है, सही है, तो एक सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में है कि नहीं है? है, और है कि नहीं है? एक सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में है कि नहीं है, बोलोगे? तो मैं बोलूँगी इसका एफ बी डी बनाओ। इसका क्या बनाओ? एफ बी डी। अच्छा पहले देखो सरफेस कैसे फोर्स लगाएगा। सरफेस क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। सरफेस क्या करेगा? सरफेस क्या चाहेगा? हमसे दूर जाए, मेरे पास चिपके रहे, दूर जाए। तो सरफेस क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और ये जो फोर्स लगेगा ना, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, कॉन्टेक्ट सरफेस है ये ना, इसके परपेंडिकुलर रहेगा। कहां लगेगा? इसके परपेंडिकुलर। ये फोर्स कौन लगाया है? सरफेस। फोर्स ड्यू टू क्या? सरफेस। समझ में आ रहा है? यस सर। तो सरफेस के ऊपर भी फोर्स लगेगा, मुद्दे की बात है, तो सरफेस के ऊपर भी फोर्स लगेगा। क्या सरफेस के ऊपर भी फोर्स लगेगा? हाँ सर, ये मास सरफेस के ऊपर भी फोर्स लगाएगा। समझ में आ रहा है? सरफेस ये है तो सरफेस को भी ये एन फोर्स से ही धक्का देगा। सेम मैग्नीट्यूड, एवरी एक्शन है इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। समझ में आ रहा है? सही है। यहाँ तक लिखिए और समझा रहा हूँ इसको, लिखो पहले। हाँ एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकते हो। थर्ड ला देखो, बहुत लोग बोलते हैं थर्ड ला बाद में जाकर। थर्ड ला तो शुरू से ही चल रहा है भाई। थर्ड ला तो एनएलएम में स्टार्ट होता है, उसी वहीं से थर्ड ला स्टार्ट हो जाता है। एवरी एक्शन है इक्वल टू क्या? अपोजिट रिएक्शन। मिटा रहा हूँ भाई इसको। सही है। तो आज के बाद क्या याद रखना है कि अगर कोई दो सरफेस एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आ गए, अगर कोई दो सरफेस एक दूसरे के साथ दोनों, है ना, तो क्या करेंगे? दोनों सरफेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और कहाँ रिपेल करेंगे? परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। जो कॉन्टेक्ट सरफेस होगा उसे क्या? परपेंडिकुलर क्या होगा? रिपेल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का ना? जैसे डायग्राम सब समझिए आप अच्छे तरीके से। देखो भैया, यहाँ तक कोई तकलीफ? जैसे देखो मैं बोला कि इसका एफवीडी बनाओ भाई, इसका क्या बनाओ? ड्रॉ एफवीडी। क्या बनाओ? एफवीडी। एफवीडी क्या होता है भाई? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दोज फोर्सेस, है ना, बॉडी। एफवीडी ऑफ किसका बनाना है? स्मॉल एम का। सही है। बोलोगे? किसका एफवीडी बनाना है? मतलब इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को बताना है। ये कहाँ फोर्स लगा है उसको नहीं दिखाना है, इसके ऊपर जो लोग फोर्स लगा रहे हैं। तो पहला, सबसे पहली बात, एफवीडी में आंख बंद करके एमजी तो लगेगा ही लगेगा सर। एमजी कौन लगाएगा? अर्थ। कहाँ? टुवार्ड द सेंटर। सही है।
और ये सरफेस इसको कहाँ धक्का मारेगा? ऊपर। सरफेस, सरफेस इसको कहाँ धक्का देना चाहेगा? ऊपर। सरफेस क्या बोलेगा, मेरे पास भाग तू, यही बोलेगा ना सरफेस, है ना? मैं नॉर्मल कॉन्टेक्ट हूँ, और नॉर्मल कॉन्टेक्ट क्या लगेगा? परपेंडिकुलर टू द क्या? सरफेस। यही तो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, सही है क्या? बोलोगे? यस सर। समझ में आ रहा है? पक्का? अगर मैं बोल दिया, ध्यान देंगे कि ऐसे रखे हुए हैं, सही है। अब इसका एफ वी डी बनाओ। इसका क्या बनाओ? एफ वी डी। अगर आपको एफ वी डी बनाने आ गया, आप एन एल एम जीत गए। मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? चलो इसका एफ वी डी बनाओ। इसका सर एफ वी डी सरफेस का भी बना सकते हैं? हाँ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर सरफेस, सरफेस की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। सरफेस का यार, सरफेस का मास वास दिया ही नहीं रहेगा, सरफेस इतना ज़्यादा भारी रहेगा तो कहाँ से उसका एफ वी डी बनाओ, ठीक है? है ना, कोई दिक्कत? इसका एफ वी डी बनाना है, सही है? एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, ये दोनों का कॉन्टेक्ट इस सरफेस में हुआ है ना यार, मास का और सरफेस का, तो जो कॉन्टेक्ट फोर्स रहेगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। नॉर्मल कॉन्टेक्ट, नॉर्मल कॉन्टेक्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, मतलब जिस सरफेस पे कॉन्टेक्ट में है उसके क्या? परपेंडिकुलर। ये नॉर्मल फोर्स लगा। समझ में आ रहा है? बोलोगे? पचास? कोई समस्या? अगर मान लो ऐसे चीजें है ना, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये सही है, सही है। इसका एफ वी डी बनाओ, तो एम जी फोर्स कहाँ रहेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, सही है। इस सरफेस पे, इस सरफेस पे कॉन्टेक्ट हुआ है, तो ये सरफेस क्या चाहेगा? दूर भगाना ना। ये कॉन्टेक्ट फोर्स है। कौन सा फोर्स है? नॉर्मल कॉन्टेक्ट। कौन सा फोर्स है? अभी फ्रिक्शन का कोई चर्चा नहीं चल रहा है, फ्रिक्शन जीरो मान के चलना है आपको, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है? बोलोगे? अगर मान लो, अगर मान लो कि ऐसे हैं, है ना, एफ वी डी बना रहे हैं हम लोग, क्या बना रहे हैं? एफ वी डी, सही है। ये मास है, ये भी एक मास है, ये कैपिटल है, और क्या है? स्मॉल एम है। ये दोनों का एफ वी डी बनाना है। दोनों मास का क्या बनाना है? एफ वी डी, सही है। दोनों मास का क्या बनाना है? एफ। अच्छा, कितने सरफेस कॉन्टेक्ट में है? दो। कितने सरफेस कॉन्टेक्ट में? कहाँ कहाँ दो है भाई? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो नॉर्मल कॉन्टेक्ट दो जगह पे लगेगा, एक इस सरफेस पे और एक। क्या दोनों का वैल्यू इक्वल होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पक्का? तो ये सरफेस क्या करेगा? ये सरफेस ऊपर वाले सरफेस को धक्का देगा, और ऊपर वाला सरफेस नीचे वाले को धक्का देगा। वैसे ही नीचे वाला सरफेस ऊपर सरफेस को धक्का देगा, और ऊपर वाला कहां देगा धक्का? नीचे। अब देखो, मैं स्मॉल एम का फ्री बॉडी बनाऊं तो किसका? स्मॉल एम का। एम जी कहां? नीचे। सबसे पहले तो एम जी लिखता हूं आंख बंद करके, है ना? सबसे पहले आपको एफ वी डी में एम जी लिखना है आंख बंद करके। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये सरफेस इसको कहां धक्का देगा? ये नीचे वाला सरफेस कहाँ धक्का देगा? ऊपर। उस फोर्स को क्या बोल दो? एन1। और इसके ऊपर और कोई फोर्स? पक्का? अब कैपिटल एम पे आ जाओ, कैपिटल एम पे आओ, कैपिटल एम पे। अच्छा, ये ऊपर वाले सरफेस को ऊपर धक्का दिया था, कहाँ धक्का दिया था? ऊपर वाला सरफेस को कहाँ धक्का देगा? नीचे। कितने से? एन1 से ही। हाँ, कितने से? अरे परपेंडिकुलर होगा ये, सही है क्या? बोलोगे? कितने से? एन1 से। अच्छा, इस और इसका कैपिटल एम जी नीचे लगेगा, जो अर्थ लगाएगा। और नीचे वाला सरफेस कहाँ धक्का देगा इसको? ऊपर। कितने से? N2 से, सही है। उसको अभी मैं ऐसे अलग दिखा रहा हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, इसी पर दिखा दूँ क्या? ये क्या है? N2 है, और ये क्या है? N1 है, सही है क्या? कितने फोर्स लगे हैं? दो या तीन? उसमें उसमें कितने फोर्स लगे हैं? तीन। अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं, ये M1 है, क्या है? M2। M1 के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? दो है? दो। तीन लग रहे हैं रे गधो। एक सरफेस यहाँ से कॉन्टेक्ट में है, और एक सरफेस यहाँ से कॉन्टेक्ट में। ये सरफेस क्या करेगा? M2 की सरफेस को इधर धक्का देगा, और ये वाला इधर धक्का देगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बात को समझो, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, फ्री बॉडी बनाने आ गया, NLM जीत गए आप, सही है। उसको निकाल दो पेन को वहां से, ठीक है? आप ध्यान देना, ध्यान देना भाई, इधर देखो, सुन लो। M1 का फ्री बॉडी बना रहा हूँ। अच्छा, ये सरफेस इसको कहाँ धक्का देगा? ऊपर। और ये कहाँ धक्का देगा? नीचे, सही है क्या? अच्छा, वैसे ये सरफेस M2 कहाँ धक्का देगा? और सरफेस को कहाँ धक्का मिलेगा? नीचे, सही है क्या? बोलोगे? पक्का ना? चलिए, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, पहले वाले का। तो M1 जी नीचे, सही है। ये सरफेस कहाँ धक्का देगा उसको? ऊपर। उसको N1 बोल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? N1। पक्का? यहाँ वाले को N1, यहाँ वाले को N2, यहाँ वाले को N3 बोल दो, ठीक है? सही है। अच्छा, ये राइट साइड वाला जो सरफेस है, M2 का सरफेस, ये इसको क्या करेगा? लेफ्ट साइड में, राइट साइड में धक्का देगा? लेफ्ट साइड में।
इसको बोलते क्या एन टू सही है yes, और कोई फोर्स इसके ऊपर no, सही है आप चलो एम टू पे आ जाओ किस पे आ जाओ एम टू पे पहली बात एम टू जी तो लगेगा ही लगेगा नीचे yes, sir. और ये नीचे वाला सरफेस धक्का देगा ऊपर हाँ. तो उसको क्या बोल दो एन थ्री बोल दो सही है और इसका सरफेस एम वन का सरफेस इसको राइट साइड में धक्का देगा yes, तो ये एम वन का सरफेस को लेफ्ट साइड में एन टू से धक्का दिया था yes, तो ये अभी कितने धक्का देगा एन टू से ही धक्का देगा सही है क्या yes, बोलो भैया yes, सही है समझ में आ रहा नहीं आ रहा है बर्चास गधा जैसे मैं बोलूं इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे कितने फोर्स दो और दो चार तीन लगेंगे दो जगह कांटेक्ट और एक एम जी अजीब लोग है यार तुम एफडी नहीं बनाने आता क्या तुम लोग हैं हाँ ध्यान दो ये सरफेस इसको कहाँ धक्का देगा ऊपर ये सरफेस कहाँ दबाएगा नीचे ये सरफेस इसको क्या करेगा ऊपर ये सरफेस इसको हाँ ऊपर ऊपर खींचेगा दबाएगा ना दूर बोलेगा मेरे पास भाग ऐसे मारेगा भागा भागाएगा सही है ऐसे सही है क्या अरे परपेंडिकुलर होगा ना तो ये टेंजेंट है एक तरीके से सेंटर से पास होगा ये सेंटर से पास होगा सही है कहाँ से पास होगा सेंटर से क्लियर हो यस और एम जी नीचे देख लो भैया एम जी नीचे सही है ये सरफेस कहाँ धक्का दिया ऊपर इसको क्या बोलते हो एन वन और एक सरफेस इधर से दबाया था ना इसको इसको क्या बोलोगे एन टू क्या बोलोगे इसको एन टू सही है बोलो भैया सही है क्या लिख लो यहाँ तक एन एल एम में आपको एफ वी डी बनाना है आप एन एल एम को जीत गए समझ में आया एन एफ वी डी नहीं आता है तकलीफ है फिर काफ़ी तकलीफ है Okay, sir. जैसे देखो बस यार तुम सरफेस गिनो ना कितने सरफेस कांटेक्ट में है सही है yes, sir. है ना एफ वी डी बनाना है आपको क्या बनाना है एफ वी डी ये एम वन मास है अलग अलग मास है एम टू मास है और क्या है एम थ्री मास है सही है yes, sir. बोलोगे yes, sir. हाँ भैया इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे हैं पक्का yes, एक यहाँ से कांटेक्ट मिलेगा yes, और यहाँ से कांटेक्ट और एक MG. सही है yes, ये सरफेस ऊपर धक्का देगा सरफेस को नीचे दबाएगा अच्छा इसका सरफेस कहाँ धक्का देगा इसको इधर और इसके सरफेस को ये कहाँ धक्का देगा है ना ये इसके सरफेस को इधर धक्का देगा एम थ्री का सरफेस इसको इधर खींचे सही है क्या चलो बना रहे हैं देखो भैया एम वन का डायग्राम एम वन जी कहाँ नीचे है ना नीचे का सरफेस नॉर्मल कहाँ दिया इधर सही है अच्छा एम टू का सरफेस क्या किया इसको लेफ्ट साइड में दबाएगा दबाएगा ना पक्का चलिए अब एम टू पे आ जाइए किस पे आ जाइए एम टू एम टू जी कहाँ अच्छा एम थ्री का सरफेस क्या करेगा इसको लेफ्ट की राइट लेफ्ट साइड में दबाएगा पक्का अच्छा लेफ्ट साइड में दबाएगा सर हाँ सर यहाँ तक कोई समस्या पक्का और इसका सरफेस क्या करेगा इसको राइट साइड में दबाएगा सही है ये क्या फोर्स था ये एम टू था इसको और इसको क्या बोल दो एन थ्री सही है क्या बोलोगे है सही है अरे ये दोनों फोर्स तो इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे ना यार अच्छा अब एम थ्री पे आइए किस पे आइए एम थ्री पे सही है ये एम थ्री का डायग्राम है एम थ्री जी कहाँ नीचे अच्छा नीचे का ग्राउंड सरफेस धक्का देगा ऊपर उसको एन फोर बोल दे रहा हूँ सही है अच्छा ये एम टू को दबाया था कितने फोर्स से एन थ्री फोर्स तो एम टू इसको दबाएगा कितने से एन थ्री फोर्स से कहाँ दबाएगा इधर से ना यार कोई दिक्कत देख लो भैया फ्री बॉडी बनकर तैयार है सही है कोई दिक्कत जैसे मान लो कि ये है ये है ये है सही है ये एम वन है ये एम टू है क्या एम थ्री है ना कोई दिक्कत ड्रॉ एफ वी डी ऑफ कैपिटल एम
पांच होंगे। कितने फोर्स? पांच। चार जगह से तो सरफेस कांटेक्ट में है यार। एक एम जी सही है। समझ में आ रहा है अब? दिमाग खुल रहा है? बोलोगे कैपिटल एम जी नीचे? अच्छा नीचे वाला सरफेस कहाँ धक्का देगा इसको? ऊपर। ये वाला सरफेस कहाँ धक्का देगा? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। इसको बोल दो एन टू। और ये वाला सरफेस इसको क्या बोल दो? एन थ्री। ऊपर वाला सरफेस नीचे इसको क्या बोल दो? एन फोर। एन फोर एन वन क्यों? सही है क्या? बोलो ना भाई, समझ आ रहा है अब? ये M1, ये M2 और ये क्या? M3। मैंने कहा सेफ बेटी? हाँ मैंने कहा? हाँ है? यस सर। फटाफट सुन लो, फटाफट बनवा दो भाई। चलो M1 का सर, M1 का तीन फोर्स सर, लेफ्ट साइड। M1 पे कितने फोर्स लगेंगे? यहाँ से यहाँ कांटेक्ट मिलेगा और एक M1 जी नीचे, सही है? लेफ्ट साइड नीचे, सही है? पक्का? ये सरफेस कहाँ धक्का देगा इसको? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, सही है? यस सर। इसको बोल दो क्या? एन टू। और ये सरफेस कहाँ धक्का देगा इसको? ऊपर। इसको क्या बोल दो? एन वन। एम वन का बन गया। एम टू पे कितने फोर्स? चार। बर्चस नहीं बोल रहा है, एम टू पे कितने फोर्स? चार। एम टू जी कहाँ? नीचे। अच्छा ये सरफेस कहाँ दबाएगा? राइट साइड। कितने से? एन टू से ना? टू। सही है, टू आया था ना यहाँ पे? ये वन बोल दो, ये टू बोल दो, यहाँ पे थ्री बोल दो, और ऐसे ऐसे ज्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। नीचे फोर, यहाँ थ्री बोल दो, और यहाँ फोर बोल दो, और यहाँ क्या बोल दो? फाइव बोल दो, सही है? कन्फ्यूजन नहीं होगा। सरफेस का नाम दे दो जहाँ जहाँ कॉन्टेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे पड़ा क्या? एन टू पड़ा, ये सरफेस धक्का दे गया। अब नीचे वाला सरफेस कहाँ धक्का देगा इसको? ऊपर। एन थ्री। अच्छा ये सरफेस कहाँ दबाएगा? कहाँ कहाँ? और कोई फोर्स? नो सर। पक्का ना? यस सर। अच्छा आवाज बड़े वाले पे, एम थ्री पे? यस सर। सही है, किस पे? एम थ्री पे। एम थ्री जी कहाँ? नीचे। सही है, ऊपर। इसका सरफेस कहाँ धक्का देगा इसको? कितने से? एन फोर। सही है, और एन फाइव कहाँ? ऊपर। समझ आ रहा है? पक्का ना? यस सर। हैं, क्लियर हो अब? नॉर्मल कॉन्टेक्ट को लेकर क्लियर हो? यस सर। क्लियर हो तो लिख लीजिए यहाँ तक। यस सर। लिख लो भैया, लिख लीजिए सर। सही है, आज के लिए इतना है, ठीक है?